उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान वजूखाना में शिवलिंग मिला है या फव्वारा, देश भर में इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चा है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारे पर अड़ा हुआ है। इस मामले पर रिपोर्ट्स के मुताबिक AIIMIM के साथ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक सर्वे नहीं हो जाता इसे शिवलिंग कहना गलत है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के पास शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है जो 400 साल पुराना है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर सख्त कानून है और ज्ञानवापी मामले में 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली गई, लेकिन ये मस्जिद नहीं छीन पाएंगे। उपासना स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट है कि यहाँ पूजा नहीं हो सकेगी। यह मजबूत कानून है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया है और यह संघीय ढांचे का हिस्सा है। अगर यह शिवलिंग भी है तो यहाँ पूजा या आरती नहीं हो सकेगी। अगर यहाँ ऐसा होता है तो जैन मंदिर और बुद्ध मंदिर में भी पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए। देश में आज जो स्थिति है, बेरोजगारी है, उसके लिए भी क्या औरंगजेब जिम्मेदार है? ध्यान रहे कि इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज है। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद यह तेज चर्चा हुई है कि वहाँ शिवलिंग मिला है। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होने लगा, जिसमें दिखाया गया है कि किस जगह यह मिला है। वजू खाने के बीच में एक जगह है और यही घिरे एक जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए क्षेत्र सुरक्षा देने का निर्देश दिया है, जिसके ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिलने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। आपको यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह।